पे स्टार्ट हो रहा है। हंस होटल में रह रहे थे, बहुत अच्छा होटल था। अब 11:10 अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं कोड़ीकोड़ के लिए, कैलीकट के लिए। थोड़ा सा बारिश का इंडिकेशंस दिया हुआ है, लेकिन ठीक है, ज़्यादा अभी इशू नहीं है, वो रिस्क ले लेंगे ऐसा डिसाइड किया है और प्लान आगे कंटिन्यू करते हैं। कल रात में था करके आपको मैं होटल नहीं दिखा पाया था, बाहर मैं बोला था लॉबी बहुत खूबसूरत है, ये देखो। कल यहाँ पे जब भी हम लोग आए, बारिश काट ले लेना, जब भी हम लोग आए यहाँ पे बारिश था, बहुत अच्छा था। काट दो, वाह। ये है हंस होटल का एंट्री का लॉबी, देखो बहुत मस्त है, एंट्रेंस देख लो। और ये रोड कनेक्ट होता है यहाँ पे, मेन रोड पे ही है, होंडा शोरूम के सामने है और केएलई कॉलेज ऑफ कॉमर्स के सामने है। नेक्स्ट टाइम कभी भी कोई आए तो यहाँ पे रेकमेंडेड है, ओयो में रूम्स लेना बहुत सस्ता पड़ता है। तो डे टू का ट्रिप स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, और अभी हम हुबली से निकल रहे, दो मिनट में अभी जीपीएस लगा देते। आज का जो ट्रिप है वो अभी 11:32 619 किलोमीटर जाना है, एक्सपेक्टेड टाइम रात को 12 बजे का। चलो कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग और ड्राइव। कल का जो हमारा टोटल जर्नी था 607 किलोमीटर का था, अभी आज का भी जर्नी 619 किलोमीटर का है। ब्रेकफास्ट ब्रेक है, ब्रेकफास्ट बोलो ब्रंच बोलो, मॉर्निंग में खाली एक कॉफ़ी पिया हुआ है। तो ये कामत का उपचार में रुका हुआ है कर्नाटक में। कामत होटल अच्छा है, ठीक है, बट इतना कुछ खास नहीं है। ब्रेकफास्ट एक्चुअली लंच, हम लोग डिनर टाइम पे लंच टाइम पे गए थे एक्चुअली, इसके लिए ब्रेकफास्ट अवेलेबल नहीं था, लेकिन इतना कुछ क्वालिटी भी फील नहीं हुआ कंपेयर टू अदर कामत जो हमने खाए। कर्नाटक का कामत अलग है, और अपने इधर विट्ठल कामत रेस्टोरेंट है, यहाँ पे कामत उपचार है, इतना ही फर्क है, ओनर्स अलग है। ये दिख रहा है एक बाइक पे बंदा पुणे से निकला हुआ है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा ऐसा बारिश हो या कुछ भी हो, भाई का मोटिवेशन मानना पड़ेगा भाई। ये दिख रहा है नवंबर में ऐसे कुछ दिखने मिलेगा आपको भी। रोड देखो, रोड तो रोड है, और कल के जैसा सेम हालत है, बारिश बहुत जोर से बारिश है, विजिबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो है, क्लाउडी है, कंफ्यूजिंग क्लाइमेट है। रास्ता खराब है, आधा रास्ता अच्छा है तो आधा रास्ता खराब, ये थोड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है। ऊपर से देखो रॉन्ग साइड से आने वाला, एक छोटा मैकेनिकल इशू क्रिएट हो गया था, थोड़ा आवाज आ रहा था तो चेक कर लिया टाटा में घुस के, अभी उसी का काम चालू है।
ट्रिप के बीच में थोड़ा ऐसा भी थोड़ा काम निकल जाता है, अभी जो भी एंजॉय करेंगे है, एंजॉय करने के लिए टाइम बाकी है। गाड़ी के साथ एक छोटा सा इशू था, एक बोल्ट मिसिंग होने की वजह से थोड़ा आवाज़ आ रहा था, तो वो इशू जरा शोरूम में घुस के सॉर्ट करके दिया। अब ये जर्नी कंटिन्यू कर रहा है, जीपीएस थोड़ा सा सिग्नल का इशू कर रहा था, तो अभी एनीवेज बैक ऑन ट्रैक। अब थोड़ा इंटरनल रोड के लिए, शोरूम के लिए इंटरनल गया था रोड पे, अब वो बाहर निकल रहे हैं और 5 मिनट में हाईवे लग जाएगा एंड फिर अपना ट्रिप कंटिन्यू होगा। सर्विस सेंटर से निकलने के बाद में रास्ता भटक गया कहीं पे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अभी भी हम लोग ऐसी जगह से जा रहे, एक इंटरनल रोड से, दोनों बाजू में आपको दिखेगा, दोनों बाजू में मक्के का खेती है, मक्का यानी कॉर्न, दोनों बाजू रोड के दोनों बाजू वही आपको दिखाई देगा। अभी ये जियो का रेंज यहाँ पे नहीं होने की वजह से सब प्रॉब्लम हुआ था, अभी मैंने दूसरा एयरटेल लगा के मेरा काम चल रहा है फिलहाल। अब और 4 किलोमीटर के बाद राइट के तरफ मुड़ जाएगा तो हमारा गाड़ी प्रॉपर हाईवे पे टच हो जाएगा। कहीं से तो सब घुमा घुमा के हम लोगों को स्टेट हाईवे 76 पे कनेक्ट किया, अभी यहाँ से कहीं पे से तो हमको हाईवे टच करना है। इसका ट्रिप जैसा सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ अभी तक। रफली हम लोगों ने 283 किलोमीटर ही चलाया है दोपहर को 12 बजे से, 11:30-12 o'clock से, तो रास्ता भी बहुत अजीब था, बहुत कंजेस्टेड सा रोड भी है और ऊपर से ये टाटा में थोड़ा काम भी था गाड़ी का, ये सब हो गया। अभी जो भी है आज का टारगेट के हिसाब से अभी कोई भी हालत में कोझिकोड पहुंचना है कैलिकट, जिसके लिए 362 किलोमीटर बाकी है। अभी हम लोग का 650 कुछ था या 600 के ऑर्ड में था, अभी बीच में रास्ता गलत होने की वजह से बहुत गड़बड़ हो गया। अभी हम लोग हाईवे पे है, स्टेट हाईवे 76 पे ही चल रहे हैं गाड़ी, अभी जाके कुछ नेशनल हाईवे 69 पे कनेक्ट करेगा और हम लोग अगर सब बराबर गया, थोड़ा अभी कुछ डिनर ब्रेक लेना है लेकिन होटल्स कुछ दिख नहीं रहा है ये रोड पे, तो अगर होटल मिल गया तो 4:30 बजे तक हम लोग कोझिकोड पहुँच जाएंगे। वैसे भी कल तो ड्राइव करने का काम नहीं है, कल घूमना है तो हाईवे ड्राइव तो नहीं करना है, कल तो घूमना है, तो फिर चलता है, तो आज जाके भले 4 बजे हो जाए जाके सो जाओ, सुबह उठ के घूमना है। ऑन द वे रेस्टोरेंट्स का कुछ अरेंजमेंट तो था नहीं, तो ढूंढते ढूंढते रोड पे एक विलेज करके दिखा, सोचा भूख तो लगा है, दोपहर को भी खाना नहीं खाया प्रॉपर, भूख तो लगा है, चलो देख लेते करके घुसा। तो यहाँ पहुँचा तो ये एक प्रॉपर 5-star टाइप प्रॉपर्टी है, यहाँ पे 59 रूम्स अवेलेबल है एंड कुछ 13,000 के रेंज में यहाँ पे इसका रूम्स का कॉस्ट आता है। तो हमको तो खाना खाना था, हमको हमने देखा तो बुफे है, 800 रुपीस में बुफे था, दूसरा कुछ ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। ये उसका एंट्रेंस,
कैसा था? सॉरी, थका हुआ था करके व्लॉग करने का प्लान नहीं था। एनीवेज यहाँ पे बुफे बहुत अच्छा है। टाइम हुआ है 11:15, 11:15 बजे। अभी तक बहुत जाना बाकी है, अभी और हमको 242 किलोमीटर, 242 किलोमीटर, 5.5 घंटे का और राइड बाकी है तो ही हम कैलिकट पहुँचेंगे। जस्ट अभी खाना खाया होटल विलेज में और उसके बाद में उधर से निकले हुए। वहाँ का एक बंदे ने जो बोला हुआ इन्फॉर्मेशन ये है कि 60 किलोमीटर्स में चिकमंगलूर है, वहाँ पे हॉल्ट मार लो और नेक्स्ट डे जाओ, क्योंकि अभी रास्ता ऐसे छोटा रास्ता है एकदम। तो देखते हैं, चिकमंगलूर एक बार क्रॉस कर दे फिर डिसाइड करेगा। शायद चिकमंगलूर में हॉल्ट कर ले और कल को कैलिकट के लिए चले जाए, नहीं तो आज डायरेक्ट कैलिकट चले जाएंगे। तो जस्ट आने स्टार्ट हुआ है, लेकिन रिस्क तो नहीं लेगा। जहाँ पे थोड़ा सा सेफ जगह दिखेगा 10 मिनट भले सो के फिर आगे कंटिन्यू करेगा। ये तलशेरी मैसूर को अभी कनेक्ट करेगा। ये एक फॉरेस्ट है, वहाँ पे वार्निंग लगा के रखा था कि टाइगर क्रॉसिंग है और एलिफेंट क्रॉसिंग है करके। अभी देखते ये अभी, और हमको एक 3 किलोमीटर का ये रास्ता है, 3 किलोमीटर में हम यहाँ से निकल जाएंगे, ये फॉरेस्ट खत्म हो जाएगा एंड राइट मारेंगे तो हम तलशेरी मैसूर वाले हाईवे पे कनेक्ट हो जाएगा। एक्चुअली एक्साइटमेंट ज़्यादा है, थकावट है, लेकिन अभी तक वो स्ट्रेस पे नहीं आया है, तो जब तक चलाऊंगा। अभी 4:30 दिखा रहा है हमारा कैलिकट का अराइवल टाइमिंग, ठीक है, लेट्स सी कैसा होता है। टाइम हो रहा है 12:30। आन्या, हत्ती था बाजू में, मैंने नहीं देखा, जस्ट एक सेकंड के लिए निकल गया। आन्या क्रॉसिंग कर रहा था, अभी ये हार्डली 400 मीटर ही है, देख नसीब रहेगा तो कुछ दिखेगा। और एक नहीं था, एक आना था और 2 बच्चा था। केरला आया और तटगढ़ में नहीं घुसेगा, ऐसा हो सकता है? तटगढ़ बोले तो केरला में जो स्टॉल्स होता है उसको बोलते हैं, जो छोटा रेस्टोरेंट्स होता है। अभी ट्राई करते हैं, चलो।
केरला में रास्ता बहुत डेंजर था, बीच में हम लोग हॉल्ट मार के रास्ता बहुत ऐसा फॉगी हो चुका था घर को, हमने गाड़ी ब्रेक मार ली एक जगह पे, ब्रेक मार के हम लोग 2-2.5 घंटे सोए और कंटिन्यू किया। अभी 4 बजे हम लोग यहाँ पे पहुँच गए। अभी हम लोग केरला बॉर्डर क्रॉस करके केरला में है। तो एक्चुअली चाय पीने रुके थे तो केरला पहुँचे, तो केरला का मैंडेट आइटम खाना था, तो खाने के लिए अभी जा रहे। मैंडेट आइटम खाना जरूरी है। कंस्ट्रक्शन चालू ही है हर जगह। अभी तो क्लीन रोड है, आगे पीछे था पूरा आधा ही रोड है, आधा रोड बन रहा है, चलाने को थोड़ा तकलीफ हो रहा है। यहाँ पे एंड हो रहा है, अभी हम लोग कोड़ीकोड़ पहुँचे, ये होटल में रह रहे और डे टू यहाँ पे एंड कर रहा है। डे थ्री हो गया है एक्चुअली, तो अभी बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, अगला वीडियो आएगा, डे थ्री का जो कंटिन्यूएशन वीडियो रहेगा वो आएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना नहीं। Bye-bye. Take care.